फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, इट्स मी प्लाबिता। तो आज देखिए, जो मेरी हेयर कटिंग में दिखाने जा रही हूँ, सिंपल हेयर कट है, लेकिन मैं इसी के द्वारा दिखाने जा रही हूँ कि किस तरह से आप लोग बहुत इजीली आपकी हर एक हेयर को इक्वल पे कट कर सकते हैं। हर एक हेयर आपका इक्वली कट होगा। मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैम, किस तरह से हम जब स्ट्रेट कट हो या फिर यू कट हो, तो उसमें हम किस तरह से हर एक हेयर इक्वल लेंथ पे कट हो, ऐसा टेक्निक आप बताइए। तो मैं आप लोगों को वही दिखाने जा रही हूँ। और ये देखिए, हम लोग क्या करेंगे, अपनी जो क्लाइंट की हेयर है उसको हम इक्वली सेक्शनिंग कर लेंगे। आपकी क्लाइंट की हेयर की कितना थिकनेस है उसके ऊपर डिपेंड करता है आप लोग कितना सेक्शन बनाए। तो मेरी जो क्लाइंट है उनकी हेयर पे मैं 3 इक्वल सेक्शन बनाऊंगी, क्योंकि नीचे की हेयर ना उनकी थोड़े से पतले हो गए हैं, तो ज़्यादा हेयर नहीं निकलेंगे, ये देख सकते हैं आप लोग। और फिर क्या कीजिए, आज मैं उनकी हेयर पे यू कट देने जा रही हूँ। तो मिडिल की जो हेयर है ना, उसको हम कट कर लेंगे 0 डिग्री पे, 1 लेंथ पे। फिर हम क्या करेंगे, आगे हेयर को लाते हुए आप लोग देख सकते हैं किस तरह से मैं अपनी चेयर को मूव कर रही हूँ, और हेयर को आगे लाते हुए जो मैंने गाइडलाइन बनाया था उस पर मैं हेयर को आगे लाते हुए कट करते जा रही हूँ। फिर मैं और एक सेक्शन लूँगी, जो मेरा दूसरा सेक्शन होगा, उस पर मैं सेम मिडिल की जो हेयर है उसको वैसे ही कट करूँगी। फिर मैं साइड की हेयर को उसी गाइडलाइन पे आगे लाते हुए सिर को मूव करते हुए हेयर को कट करते जाऊंगी। ये देखिए, कितनी एक बार में ही कितनी अच्छी तरह यू कट निकल के आ रहा है। और आप लोग देख सकते हैं मेरी ना क्लाइंट की हर एक हेयर इक्वल लेंथ पे है। तो ये मेरा थर्ड और फाइनल सेक्शन है, उस पर भी मैं उसी तरह हेयर को कटिंग करूंगी। और आप लोग ये कीजिए कि अच्छी तरह से ना हेयर को बिल्कुल अच्छी तरह से कॉम कीजिए, क्योंकि हेयर की कभी अंडर हेयर फंसता रहता है। और आप लोग देख सकते हैं, इस तरह से अगर आप लोग कटिंग करेंगे तो एक ही बार में बिना चेक किए हुए आप लोग अपने हेयर की क्लाइंट पे परफेक्ट यू या स्ट्रेट हेयर कट आप लोग दे सकते हैं, और आपकी क्लाइंट की हर एक हेयर ना इक्वल साइज़ पे होगी। और अभी मैं आगे की जो दो सेक्शन मैंने डिवाइड कर ली थी, उस सेक्शन पे मैं कटिंग करूँगी उसकी हेयर को। ये देखिए, आगे लाके जो मैंने गाइडलाइन सेट किया था ना, उस पर मैं आगे लाके कट कर लूँगी। इस तरह से मैंने आगे की हेयर को थोड़ा सा नीचे करके हेयर कट किया है, क्योंकि इस तिरछा कट दिया है, क्योंकि इसमें मैं थोड़ा सा उनकी क्या करूँगी, फ्रंट में थोड़ा सा लेयर कट कर दूँगी, जिससे कि आप लोग देखेंगी फाइनली बहुत ही ब्यूटीफुल उनका हेयर का कट हुआ था। और ये देखिए, मेरी क्लाइंट छोटी है लेकिन उनकी हेयर ना बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और ये देखिए, वो भी बहुत ही प्यारी है। किस तरह से आगे में थोड़ी सी जो आगे की उनकी फ्रंट की हेयर है ना, उस पर मैं लेयर कट दे रही हूँ। और आप लोग देख सकते हैं, आप लोग टाइम चेक कर सकते हैं, बिल्कुल सिर्फ 5-6 मिनट्स में ही आप लोग बहुत ही एक प्यारा हेयर कट दे सकते हैं, और आप लोगों को ना दोबारा चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यही है मेरी, आप लोग जो सवाल करते हैं उसका, जो क्वेश्चंस का आंसर, ये कि किस तरह से हम हर एक हेयर को ना बिना एक भी हेयर छोटा बड़ा हुआ हो, ऐसे हम कट कर सकते हैं सिर्फ एक ही बारी में। और ये देखिए, मेरी क्लाइंट की हेयर कटिंग कितनी ही प्यारी ब्यूटीफुल हेयर कट हुआ मेरी क्लाइंट की। और आप लोग देख सकते हैं पीछे भी उनकी हेयर कितनी अच्छी लग रही थी अभी। और मैं क्या करूँगी, मिडिल की जो हेयर है ना, उसको थोड़ा सा ऊपर लेके ऊपर की हेयर को कट कर दे रही हूँ, जिससे कि उस पार्ट पे उनका थोड़ा सा हेयर ना ज़्यादा दिखे, वॉल्यूम दिखे, क्योंकि उनकी हेयर बिल्कुल थिन और फ्लैट है। और ये देखिए, बहुत ही प्यारा सा उनका हेयर का लुक हुआ था, और जो मेरी क्लाइंट है बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी इस हेयर कटिंग से। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में लाइक, कॉमेंट और शेयर भी कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।